आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बीसी एजेंट की कमीशन लिस्ट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको कमीशन को पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आप अगर इसमें कौन कौन सर्विस में कितना कमीशन मिलता है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप ऐसे किसी कस्टमर के अकाउंट ओपन करें तो आपको उसमें कितना कमीशन मिलता है, या फिर किसी का आप इंश्योरेंस करते हैं उसमें कितना कमीशन मिलता है, टू व्हीलर फोर व्हीलर के इंश्योरेंस में कितना कमीशन मिलता है, जितने भी योजनाएँ चल रही थी उसमें आपको कितना कमीशन मिलता है, ट्रांजेक्शन करने में आपको कितना कमीशन मिलता है, फिर पैसे निकाल आप कितना कमीशन मिलता है, या फिर आप ऐसे रिचार्ज करने में कितना कमीशन मिलता है, पूरी कमीशन लिस्ट के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं। अगर फ्रेंड आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट बनना चाहते हैं और कैसे बनना है उसका कंप्लीट प्रोसेस आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से आप यहाँ से रहते हैं तो आपको फ्री में बीसी एजेंट कैसे बन सकते हैं जो कि 2 मिनट के अंदर पूरा मैं कंप्लीट प्रोसेस बताया हूँ, आप आई बटन वीडियो मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हैं। अगर फ्रेंड आप किसी और राज्य से बिलोंग करें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना के लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसके कमीशन लिस्ट के बारे में। सबसे पहले क्या करना फ्रेंड, आप जो भी बीसी एजेंट बनेंगे तो मित्र ऐप्स को इंस्टॉल कर लेंगे, आईडी पासवर्ड डालने वाले से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा माई ऑफर्स एंड मोर का। जैसे आप माई ऑफर्स एंड मोर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आप लैंग्वेज सेटिस्फाई है लैंग्वेज को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ फ्रेंड आप देख सकते हैं कमीशन के बारे में आ गया, सबसे पहले दिया गया है बेस कमीशन, जिनको कमीशन मिल जाता है अकाउंट खोलने में आपको कितना कमीशन मिलता है। अगर फ्रेंड आप अकाउंट ओपन करते हैं 50 रुपये से लेकर 99 रुपये तक अभी 20 रुपये कमीशन मिलता है। अगर 100 रुपये से लेकर 499 रुपये तक यहाँ से अकाउंट को ओपन करते हैं किसी कस्टमर का 40 रुपये का आपको कमीशन मिलता है। अगर 500 रुपये से ज़्यादा आप इसे अकाउंट ओपन करें तो आप इनसे 75+25 रुपये कमीशन मिलता है। फ्रेंड ये 25 रुपये केवल तभी क्रिएट होंगे जब आपके ग्राहक अकाउंट में 500 रुपये कम से कम 7 दिनों के लिए मेंटेन करके रखेगा। इसके बाद 10 रुपये का अतिरिक्त कमीशन मिलेगा, पैन कार्ड नंबर दिया वो भी प्रमाणित किया जाता है तो आपको यहाँ से 10 रुपये अतिरिक्त आपको यहाँ से कमीशन मिलता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नगद जमा करने में कितना कमीशन मिलता है। यहाँ से 0.15% का कमीशन मिलता है, फिर अगर 1 लाख रुपये तक कोई जमा करता है यहाँ से, और फिर 0.1% का कमीशन मिलता है फिर यहाँ से 1,10,000 रुपये तक का। उसके बाद यहाँ से निकासी की बात करें तो ट्रांजेक्शन अमाउंट में आपको मिल जाता है यहाँ से 0.15% का कमीशन, और डीटीएच रिचार्ज में अगर एयरटेल का कोई डीटीएच रिचार्ज करता है 3% कमीशन मिलता है, और अन्य किसी डीटीएच के रिचार्ज करेंगे तो यहाँ से 1.25% का आपको कमीशन मिलता है। और यहाँ से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का अगर आपसे कोई पॉलिसी करते तो आपको 11 रुपये पर पॉलिसी आपको यहाँ दिया जाता है। यूटिलिटी बिल पेमेंट फ्रेंड यहाँ से भी आपको यहाँ से 0.15% का कमीशन मिल जाता है, जो कि 10,000 से यहाँ से थ्रूपुट पर आपको यहाँ कमीशन दिया जाता है। अटल पेंशन योजना कमीशन लिस्ट के बारे में बात करें तो 20 रुपये का आपको मासिक प्रीमियम दिया जाता है जिनमें आपको अगर 100 रुपये से ज़्यादा करते हैं तो, और 40 रुपये का आपको दिया जाता है 100 रुपये से अगर करते हो 200 रुपये के बीच में आपको यहाँ से 40 रुपये का कमीशन दिया जाता है। और इस प्रकार आप यहाँ से कमीशन देख सकते हैं जिनमें 50 रुपये और 60-60 रुपये दिए जाते हैं, 60-60 रुपये तिमाही पॉलिसी के लिए, छमाही प्रीमियम के लिए 60-60 रुपये आपको यहाँ से दिए जाएंगे। इसके बाद होम लोन्स में 2500 रुपये का हर लोन यहाँ से ट्रेवल में आपको दिया जाता है रिटेल द्वारा ग्राहक को रिक्वेस्ट द्वारा, जब ग्राहक लोन यहाँ से डिस्पर्स में आपको यहाँ से 2500 रुपये तक कमीशन दिया जाता है। इसके बाद सरल जीवन बीमा ज्योति योजना के बारे में आते हैं तो सरल जीवन बीमा योजना में आपको यहाँ से प्रीमियम मिल जाता है, अगर यहाँ से 0 से लेकर 200 का स्लैब बुक करते हैं तो 20 रुपये कमीशन मिलता है, 201 से लेकर 350 रुपये कमीशन मिलता है, इनमें मैक्सिमम कमीशन आपको यहाँ से दिया जाएगा, यहाँ देख सकते 1500 से अगर प्लस करें तो 300 रुपये का आपको कमीशन दिया जाता है। अब टू व्हीलर इंश्योरेंस में अगर देख सकते हैं स्लैब यानी पॉलिसी अगर एक पॉलिसी करें तो 40 रुपये कमीशन मिल जाता है, जिनमें थर्ड पार्टी को 25 रुपये दिया जाता है, जो थर्ड पार्टी वैसे 25 रुपये देती है, दो कमीशन का 40 रुपये, थर्ड पार्टी को 25 रुपये, इस प्रकार देख सकते हैं। अगर 31 से ज़्यादा आप कमीशन करते हैं यहाँ से आपको टू व्हीलर के इंश्योरेंस करते हो तो यहाँ 100 रुपये कमीशन दिया जाता है, थर्ड पार्टी को 25 रुपये कमीशन दिया जाती है। यहाँ से अनमोल बचत पॉलिसी के अंदर यहाँ से अगर पॉलिसी का प्रीमियम को 6 माह लेते हैं तो आपसे 50 रुपये का कमीशन मिलता है, अगर वार्षिक लेते हैं आपसे 200 रुपये का कमीशन मिलता है। अब बिजनेस लोन की बात कर लेते हैं, यहाँ से बिजनेस लोन का स्लैब को यहाँ से 5,001 से लेकर 10,000 रुपये तक करता है यहाँ से, सॉरी फ्रेंड अगर आपसे कोई 50,001 लेके अगर 1 लाख रुपये कमीशन अगर यहाँ से कोई यहाँ से लोन लेता है तो आपसे 300 रुपये कमीशन दिया जाता है, इस प्रकार आप यहाँ से 21,000 रुपये तक से मैक्सिमम यहाँ से कमीशन भी आप इसमें से कमा सकते हैं। APS यानी आधार इनेबल पेमेंट करने की सुविधा में आपको यहाँ से 100 रुपये से लेकर 499 रुपये तक यहाँ से 25 पैसे कमीशन मिलता है, 500 लेकर 999 रुपये तक से 1.5 रुपये कमीशन मिलता है, और 1,000 से लेकर 1,499 1,500 का यहाँ से 2 रुपये कमीशन मिलता है, 1,500 लेकर 1,999 इसी प्रकार कमीशन मिल जाता है, और 3,000 से लेकर 10,000 तक कमीशन करता है 6 रुपये का यहाँ से कमीशन दिया जाता है। अब रिचार्ज की बात करें फिर एयरटेल में आपको यहाँ से 3% का कमीशन दिया जाता है, अगर दूसरे और ऑपरेटर में यहाँ से जिनकी जानकारी दी आप इस कमीशन लिस्ट को देख सकते हैं। अब कैश ड्रॉप में फ्रेंड कस्टमर मॉडल पर रिटेलर का बेस कमीशन रहता है 0.15%, इंक्रीमेंटल थ्रूपुट के वजह से सर्विसेज में यहाँ से 0.14% का कमीशन यहाँ से दिया जाता है, जो कि आप कमीशन लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ से मॉडल एजेंट में आपको यहाँ से 0.125% का कमीशन दिया जाता है, तो इस प्रकार आप यहाँ से कमीशन लिस्ट को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं।
तो फ्रेंड यही थे पूरा कमीशन लिस्ट जो भी एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट मतलब आपकी सर्विस में कितना कमीशन मिलता है, मैंने आपको स्पीड में स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ऐसा जरूर करें, और आप में कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ पूछ सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ।